कटे आज हियो तनिक से कुछ बहुत क्या? अरे भाई तुम्हारा सुहाग रात मनाए हुई हो मारी आई क्यों बड़ी मजा आई हुई हमें यार क्या बताए सुहाग रात मरी हो ही नहीं पाई बात यह हुई कि डाकू पशु और करिया सेठ मेरे घर पर था बोल दिया सानी वो आपके घर पर हाँ और उसे चांदनी को फरार करके ले गया है और ये बात मुझे ठाकुर साहब को बतानी है क्यों नहीं तुम लोग ठाकुर साहब के नाम एक पत्र लिख के डाल दो ताकि कानून अपने हाथ में आए बहुत अच्छी बात लिखो ठाकुर साहब मैं इंस्पेक्टर कुंदन सिंह आपको बता रहा हूँ कि आपको सूचित कर रहा हूँ यार आपको सूचित कर रहा हूँ कि चांदनी को डाकू परसु फरार करके ले गया है चांदनी को डाकू परसु उठाकर ले गया हाँ हाँ ये हाँ आप ही तो कहो हाँ और ये लेटर जाकर पोस्ट कर दो ताकि कानून अपने हाथ में आए ठीक है सरकार अब भाई जाई थे पोस्ट करे आई थे ऑनलाइन कर दे ठीक है दीवान जी चलो हम लोग थाने चल रहे हैं इसके बाद जो सलाह मशवरा होगा फिर होता जाएगा आगे चलो बेशाल कहाँ मर जाते हो हमेशा लेट से आते हो हेलो हेलो क्या बात है हम जो है कुंदन सिंह बोल रहे हैं क्या कुंदन सिंह हाँ आखिर क्या बात है हमारे गांव पर परसों डाकू ने फिर से धावा बोल दिया है आप बहुत जल्द से जल्द आकर हमारी मदद कीजिए वरना हमारे गांव को वो तबाह कर देगा ठीक है मैं बहुत जल्द से जल्द आ रहा हूँ चलिए सर आप चिंता मत करें तुम यहाँ के कौन हो ले ले पांडे जी, तेल लगा के ले ले पांडे जी, ये बताओ यहाँ कोई छोटा सिंह नाम का डाकू आया हुआ है जी जाओ उसे लेकर के आओ इस हवला सकत है हम तो हवलदार आदमी हम क्या करें कांस्टेबल हैं जरा सामने देख पीछे मुड़ करके जाओ छोटा सिंह का लेकर के आओ वरना इसकी जान खतरे पर जाएगी कहो इसकी हथकड़ी खोली जाए और क्या मैं खोलूंगा कमीनी छोटा सिंह मेरे दोस्त जय माँ भवानी दोस्त कहो दोस्त यहाँ से बहुत जल्द निकल चलो बहुत अच्छी बात चलो हम यहाँ से बहुत जल्द निकलते हैं हाँ। क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं है खतरे से खाली नहीं है चलो छोटा सिंह जय माँ भवानी की
तुम लोग हो इधर आओ। तुमका कहना है कि आवो कुंदन सिंह मैं तुम्हें देख लूंगा। कह दिया तुरंत कह दिया। आवो साले कुंदन सिंह मैं तुम्हें देख लूंगा देख लूंगा। आवो साले कुंदन सिंह तुम्हें देख लूंगा। आवो साले देख आवो साले कुंदन सिंह तुम्हें देख लूंगा। आवो साले कुंदन सिंह तुम्हें देख लूंगा। और अगर ये बात अगर तुम्हारी जुबान रुकी अबे तुम्हारी जुबान रुकी क्या बोल रहा है कौन कह रहे हो तो बोलना। इतनी बात हमने बताई तुमको उतना ही बोलना और जुबान रुकी तो इधर से गोली चली चली चालू हो जाओ चालू हो जाओ। आज साले तुमको हम देख लेंगे और कुंदन सिंह साले तुम्हें हम देख लेंगे कुंदन सिंह और तुम्हें हम देख लेंगे कुंदन सिंह तुम्हें हम देख लेंगे कुंदन सिंह तुम्हें देख लेंगे। क्या हो रहा है क्या देख लेगा तो क्या देख लेगा कुंदन सिंह तुम्हें हम देख लेंगे। अबे हवलदार क्या हो रहा है हराम जादू कुंदन सिंह साले अबे हवलदार क्या हो रहा है अरे आवा रहा है कौन उदहिल लोग आए रहा है कौन आया था झाटू अबे डाकू डाकू हाँ कितने लोग थे ले गए ले गए ले गए क्या चीज छोटा छोटा को ले गए और तू लोग क्या कर रहे थे और गजब हो गया आज सरकार दीवान जी क्या बात सर ये बताओ तुम्हारे थाने की फोर्स कहाँ थी लेकिन सर वो बोले कि हम कुंदन इंस्पेक्टर बोल रहे हैं क्या और करिया सिंह हमारे गांव में आ चुका है तो हम लोग उधर गए और ये बैठा रहा यानी कि हाँ हाँ परसों मेरे यहाँ जाकर मुझे जख्मी करके आपने फोन किया हाँ क्यों नहीं ठीक है दीवान जी आप लोग तैयारी करो हम लोग फिर से छोटा सिंह करिया सिंह और परसों को गिरफ्तार करने चल रहे हैं चले सर चलो बेशा चले सर चलो क्या बताऊं हमारा दोस्त अभी तक वापस नहीं आया है करिया सिंह तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और तुम्हारा दोस्त जिस काम के लिए जाता है तो काम पूरा करके ही आता है शाबाश तुम्हारा छोटा सरदार दोस्त छोटा हाँ दोस्त दोस्त एक बात है एक बात मेरी समझ में नहीं आई वो कौन सी बात है आखिर जो छोटा सिंह अपनी बाजियों पर इतना भरोसा रखता था आज उसको किसी माई के लाल ने सहारा दे दिया और मुझको जेल से रिहा करवा दिया आखिर हम उस मेहरबान का परिचय जानना चाहते हैं दोस्त जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया दोस्त छोटा तुम भूलते हो या क्या इन्हें जानते नहीं हो ये है हमारे सरदार
इनका नाम परसु है। जी हाँ, वही हराम ज्यादा जो दानू सिंह दोस्त। कहो दोस्त। परसु आखिर आपने इन बियाबान बेहरों में कैसी पोजीशन बना ली और आपको यहाँ आने का मकसद क्या था, आखिर जानना चाहते हैं। छोटा सिंह, हमारी कहानी बहुत लंबी है। हमारी कहानी सुनकर के शायद आपके पैर से धरती खिसक जाएगी। कहानी हमारी यही है कि मैं बहुत छोटा था उस समय दानू सिंह ने हमारे घर डाकुओं को लेकर के हमारे पिता को गोली से मारा और जितना हमारे पिता के पास धन माल था उसे लूट कर ले आया। और हाँ, आखिर में यहाँ तक हमारे साथ इसने जुल्म किया कि हमको पकड़ करके अपनी कोठरी में बंद कर दिया, क्योंकि मैं इसका कहना नहीं करता था। ये चाहता था कि परसु हमारे घर गुलामी करे, ऐसा मुझसे ना हो सका, इसलिए इस कमीने ने मुझे बर्बाद कर डाला। बर्बाद होने के बाद मैंने यही सोचा जाकर कहीं चम्बल की बिहाड़ों में अपनी जान दे दूं, लेकिन भगवान का शुक्र था क्योंकि आप लोगों से हमारी मुलाकात हो ही गई। दोस्त, क्या उस हरामजादे ठाकुर दानू सिंह की बात कर रहे हैं जो शिकायत नगर का वो जमींदार था? वही है दोस्त, वही है। तुम वही परसु हो? तुम्हारे पिताजी का नाम सैयद गिरधारी लाल था? छोटा सिंह, आप तो शायद अच्छी तरीके से मेरी परिचय जानते हो। दोस्त मन, तो चुप रहो, चुप रहो। अब सहा ज्यादा मुझसे नहीं, चुप रहो। नहीं, आज की रात कुत्ते को बतलाऊंगा। और कना कर उसे दोस्त मन हक तुम्हारा। शाबाश मेरे से। हाँ, गोलियों का निशाना मन हक तुम्हारा। मैं दोस्त छोटा सिंह। हाँ दोस्त, तुमने तो ये यत्न बहुत अच्छा सोचा है। चलो आज हम उस कमीने दानू के घर चलते हैं, क्योंकि उससे भी अभी कुछ हिसाब हमारा बाकी है। दोस्त कजिया सिंह, अब वो समय आ गया है। एक वो वक्त था जब हमारे लोगों की मदद से वो हरामजादा डाका डलवाया था, और इस कमजोर बेसहारा इंसान का घर उजाड़ दिया। और आज वही वक्त माँ भवानी ने हमारे लोगों के सामने लाई है। आज माँ भवानी की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारा धन और तुम्हारा सब कुछ वापस नहीं करा दिया, तब तक मेरे दिल को
चैन नहीं है परसु। छोटा सिंह चलो हो, तुम लोगों से तो मेरी यही उम्मीद थी। चलो छोटा सिंह, आज हम उस कमीने दानों के घर चलते हैं, क्योंकि उससे भी हिसाब चुकाना है। हाँ, चलो क्यों नहीं दोस्त, चलिए साथियों। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। द्वारपाल, अरे कहाँ मर गए रे? आओ तुम्हारा आज बड़ी चढ़ाई, तुमका है इज्जत। हम म्याला के तैयारी करते रहे। अरे तो वह तो हम जबैया रही आउ का जाब पूरी कचौरी धरी है बांधी बेग मलय। ओ गुरु हम का मंगा दियो नैना नगर से हरवा। हो गुरु हम का नगर का हरवा। ओ गुरु हम का मंगाई दियो नैना नगर का हरवा। ई हरवा बड़े तप से मिले हैं, ई हरवा बड़े तप से मिले साहेब के दर बरवा। हो साहेब के दर बरवा। हो गुरु हम का मंगाए दियो नैना। गुप्त नाम आदमी मौजूद, ये 10-10 रुपए दोनों जने के मिले हैं। म्याला जाए। हाँ, गुरु हम का मिला मंगाए दियो नैना नगर का। अरे मोर बच्चा खुश रहो पुतवा। ओ गुरु हम का मंगाई दियो नैना नगर से हरवा। ओ गुरु हरवा पहिने हम नाचन लागी। हरवा पहिने हम नाचन लागी, नाचन लागी बहिने नाचन लागी। नाचन साहेब के दर बरवा। हो गुरु हम का मंगाए दियो नैना। ए बुद्धूलाल देखो तब तीन सैताई ले और खाई ले। अरे भगवान क्या कहो मुझसे सामने आते हैं और मुझसे
हो गए और ना खाना पानी मिला और मारे भूखो के भैया बहुत बसा है। बहुत बसा रहा। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। इसी को कहते हैं जब इंसान की समय घट जाती है और उसका पाप का धरा भर जाता है, वो लाचार हो जाता है, तो उसके सगे संबंधी भी उसको नहीं होते हैं। अब देखिए इन्हीं की ठकुराइन है, ठाकुर की ठाकुराइन सामने आप लोगों के है और ये अपने ठाकुर को नहीं पहचानते हैं क्योंकि ये कौन ही हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? समय समय की बात हो, समय समय की बात हो, समय हो बर्बाद और फिर मैं लूटा गुप्त वही अंतरूही बात। अब मैं क्या करूं कि मेरे घर वाले भी मुझे पहचान नहीं सकते हैं। अरे ठाकुर, ठाकुराइन, मेरी ठाकुराइन को एक बार मुझसे मिला दो। काकी, इनका नहीं चाह पाने पायो का? आहा बच्चा, ये तुम्हारे घर आइया ठाकुर, तोर माँ सही जा खाली है। सीधी सौदा इनका घर आइया बनावत कत्ता नींगो ठाकुर। ये एक बाबा का माँ डारी न, हम तो साथे रहन। वही सतनामी बाबा आ रहा जंगल में बैठ रहा है। का बाबा का? वो एक माँ डारी ना हो बाबा, इनका शराब दे दिन ना जाओ, कोढ़ी हो जाओ वहाँ होएगा। तो निकाल 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 है नहीं ठाकुराई। ठाकुर साहब निकलिए, आ रही दूर से बदबू न तेरे पास आऊं। अगर जो आ गई मैं तो गर्दन दबा के मान, और सताओ ना तुम हमको। सताओ ना तुम हमको, एक दिन सताई जाओ।